नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे ऐतिहासिक जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस जगह पर जब भी कोई खुदाई से संबंधित कार्य किया जाता है, जैसे कि मकान की नींव की खुदाई, यहाँ तक कि कई बार तो गांव के खेतों में ही हल चलाने के दौरान कुछ न कुछ ऐतिहासिक चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, जैसे कि शिव पार्वती जी की मूर्तियाँ या फिर अनेक प्रकार के शिवलिंग। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लाखा मंडल की। ये वही लाखा मंडल है जहाँ पर पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान कुछ समय बिताया था, और ठीक इसी जगह पर पांच भाई पांडवों को छल से मारने के लिए दुर्योधन ने एक लाक्षाग्रह बनवाया था, ताकि वह इस लाक्षाग्रह में आग लगाकर पांचों भाई पांडवों को जलाकर मार डाले, और उसने आग लगाई भी। किंतु पांडवों को दुर्योधन की साजिश का पता पहले ही चल गया था, तो उन्होंने यहाँ से एक बहुत बड़ी सुरंग बनाई और उसी सुरंग के रास्ते वह बच निकले। पांडवों ने उस समय जो सुरंग यहाँ से खोदी थी, आज भी आप देख सकते हैं कि वो सुरंग कितनी बड़ी सुरंग है, और उस समय बिना किसी टेक्नोलॉजी के किस तरह से पांडवों ने उस सुरंग को खोदा और वहाँ से बच निकलने में कामयाब हुए। आप लाखा मंडल जब भी जाएं तो इस सुरंग को आप जरूर देखें, इस सुरंग में आप जरूर जाएं। इसी जगह पर माँ पार्वती जी ने अपने आराध्य श्री शिव भोले शंकर को पाने के लिए कन्या रूप में कठिन तपस्या की थी, जिनके चरण चिन्ह आज भी मंदिर के अंदर मौजूद हैं। आज भी यदि कोई इस मंदिर के भीतर पुत्र प्राप्ति के लिए एक रात शिव नाम का जाप करता है तो उसके मनोरथ अवश्य पूर्ण होते हैं। मान्यता ऐसी है कि प्राचीन काल से ही लाखा मंडल में 125,000 शिवलिंग स्थापित हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के भीतर जो शिवलिंग प्रतिष्ठित है वह हजारों लाखों साल पुराना है। कुछ ऐसी भी मान्यताएं हैं कि वह शिवलिंग सतयुग से यहाँ पर स्थापित है, और इस शिवलिंग के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि इसकी खोज एक गाय के द्वारा हुई थी। वह जो गाय थी वह प्रतिदिन यमुना नदी के पार से यहाँ पर आती थी और अपने दूध से इस शिवलिंग का अभिषेक करती और शिवलिंग की परिक्रमा करके वापस चली जाती थी। आप आज भी देख सकते हैं कि मंदिर की दीवारों पर लगे प्रत्येक पत्थर पर गाय के खुर के निशान मौजूद हैं। इस शिवलिंग के अलावा मंदिर के प्रांगण में कई और प्राचीन शिवलिंग भी मौजूद हैं। जी हाँ, यह लाल रंग का जो शिवलिंग है यह त्रेता युग का माना जाता है, जिस युग में भगवान श्री राम ने अवतार लिया था। हरे रंग का जो यह शिवलिंग आप देख रहे हैं यह द्वापर युग का बताया जाता है, जिस युग में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। और अब जो यह शिवलिंग आप देख रहे हैं यह है कलयुग का शिवलिंग। इस शिवलिंग की विशेष बात यह है कि जब आप जल से इस शिवलिंग का अभिषेक करेंगे तो उस समय हमें इसमें अपनी प्रतिछाया दिखाई पड़ेगी। इस शिवलिंग की भी एक रोचक कहानी है। यह शिवलिंग अनादिकाल से जमीन के अंदर ही गड़ा रहा, फिर यहीं पर जब एक गौशाला का निर्माण कार्य चल रहा था तो उस समय गाँव के ही हरि नाम के एक व्यक्ति को सपना हुआ कि इसके नीचे कोई शक्ति है जो कि ऊपर आना चाहती है। उस व्यक्ति ने अपना सपना गांव वालों को बताया और जब खुदाई शुरू की तो तब यह चमत्कारी शिवलिंग निकलकर सामने आया। मंदिर प्रांगण में एक और विशालकाय शिवलिंग प्रतिष्ठित है, जिसकी स्थापना धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वयं अपने हाथों से की थी। इसके अलावा मंदिर परिसर में और भी अनेकों अनेक शिवलिंग खुदाई के दौरान निकले हैं। 2007 में जब यहाँ पर खुदाई का कार्य चला था तो तब भी यहाँ पर बहुत सारे शिवलिंग एक साथ निकल कर सामने आए। अब ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं इनकी भी एक विचित्र कहानी है। सतयुग में यह दोनों शिवगण थे जिनका नाम था वीर और भद्र। त्रेता में यह दोनों थे जय और विजय। द्वापर में इनका नाम था द्वार और पाल, और कलयुग में यह देव और दानव के प्रतीक हैं। और इससे भी रोचक बात तो यह है कि प्राचीन समय में जब इस इलाके में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसके मृत शरीर को यहाँ पर लाया जाता था, फिर पंडित जी अपने घर से गंगा और यमुना का जल लेकर आते थे और उसको मंत्रों से अभिमंत्रित कर उसका छींटा जब मृत व्यक्ति के शरीर पर मारते थे तो वह कुछ क्षणों के लिए जीवित हो जाता था। फिर पंडित जी उसे अपने हाथों से दूध और चावल खिलाते थे और उसके कुछ क्षणों में ही वह व्यक्ति पुनः अपनी मृत अवस्था में लौट जाता था। इस मंदिर में 3 गते बैसाखी को भव्य मेला भी लगता है, जिसमें कि पूरे इलाके से देव निशान और देव डोलियों का
पारंपरिक पांडव नृत्य होता है। यह मंदिर देहरादून से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है। आप भी इस मंदिर में एक बार अवश्य जाएं और यहाँ पर मौजूद प्राचीनतम विरासतों को देखें, अनुभव करें और भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।